अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफीरा। मैं हूँ तहसीन। और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन। टर्किश आइसक्रीम एक मूवी है, उसका हमारे पास ट्रेलर मौसूल हुआ है। हमें काफ़ी रिक्वेस्ट इसकी मौसूल हो रही थी कि इसको ज़रूर देखें। हम फ़ौरन देखते हैं कि इसमें क्या दिखाया गया है। लेकिन चलाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। और अगर आपको रिएक्शन पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और एक बात आपसे और करना चाहूँगा कि अपनी रिक्वेस्ट और अपने सजेशंस जो हैं हमें किसी एक जगह पे सेंड करें, या तो ईमेल एड्रेस पे या इंस्टाग्राम के ऊपर। क्योंकि अगर आपकी जो रिक्वेस्ट हैं वो हमें अलग अलग जगह पे मौसूल हो रही हैं, तो हम सबको केटर नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे। तो या तो हमें इंस्टाग्राम के ऊपर कर लें या ईमेल के ऊपर कर लें। मैं तो कोशिश ये करें कि हमें इंस्टाग्राम पे अपनी भेजें, ज़्यादातर रिक्वेस्ट हमें इंस्टाग्राम पे भेजें। इसका लिंक हमारे पास यहाँ ऊपर आ रहा होगा, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करें। और जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट हैं, सजेशंस हैं, कोई वीडियोज़ हैं, वो हमें वहाँ पर भेजें, ताकि हमें एक जगह पर सब मिल जाएँ, तो हमें इसको कैटर करने में, उस पर रिएक्शन करने में आसानी होगी। तो फौरन इसको चलाते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिखाया गया। वो फिल्म 1950 चना कले स्वराजी। अच्छा, ये वो उसके ऊपर यानी कि है। हाँ, शायद उस वक्त कोई हुआ था ऑस्ट्रेलिया 1915। हाँ, जब चना कले, मुझे लगता है कि वो हमला हुआ था जब। हाँ, ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एंटर द वॉर। यू आर नाउ आवर एनिमीज जेंटलमैन। सीजर टुक दुश्मन्स इन हिज बेल। तुर्किश आइसक्रीम इस्तांबुल गायमा। तुर्किश आइसक्रीम इस्तांबुल। ओ ओ, ये जंगल अब हार्वे गिरमिश्ते। हार्वे में गिरमिशस। ओ, ये जब हुआ था हमला तुर्की पे ना, हर तरफ से। ओए, şimdi biz düşman mıyız? Sen kafaya koymuşsun gitmeyi. Bizim başka çaremiz yok. The man on position sir. The man on position sir. We are our enemies. Burada böyle sürüne sürüne öleceğimize. I want them dead. Harp ederken ölelim. Türkiş aşkı. Yani उस वक्त की है। ओले। फिर अभी तब भी वही करते थे। ओ, नाइस शॉट। पीस। कैमल। Too late to fight when the enemy is at your door. Kasabanın yarısı düşman belledi bize. Niye bu dönüyor lan? Haydi bakalım Junior. Üstelik bir de savaşa gideceğim diyorsun. Beraber dönelim. Ne ice cream bedrigi? Oh. Allah korusun Ali. Gidip dönmemek var. Bu de ki. Şerat mı? Bilerek mi yaptın kardeş? Beni niye sokuyorsun bu işlere? Ben onun için. Geldi. Arda, sen niçin hep böyle başsın? Ladies and gentlemen. İngilizim. Sen çünkü İngilizsin, deveye de koymuşsun İngilizim. Junior adını. Hmm. Sen nereden çıktın benim karşıma? Çocuk babasız büyür ama. Vatansız büyüyemez. Now join the British Empire and help the brave lads at the front. Hepiniz gelin. Çanakkale'ye geçemeyeceksiniz. Çanakkale. Ne öyle? Ne kata ham yahan çıkarın. Ham yahan çıkarın. Oo. Oho. İstanbul gayma. वैसे हुआ था ना, हर तरफ से जहां जहां तुर्को। You guys want to go to Anatolia, right? Yes, Ottoman. During the war? Yes, Ottoman. So you want permission from me to go and kill my soldiers, is that so? Yes, Ottoman. Kes kardeş, tamam. Ne oldu, nedir? Tüm usiyse permission mang rahe ho. We want to go to as a tourist. As a tourist? Wow. Very nice. हाँ,
बहुत ही अच्छी और मजे की स्टोरी मुझे लगी, हाँ क्योंकि इस फिल्म में ये चीज दिखाई गई है कि आपका फौजी होना जरूरी नहीं है। हाँ आप अगर अपने मुल्क के लिए लड़ना चाहते हैं तो आप एक आम इंसान होके भी लड़ सकते हैं, बिल्कुल। आपको सिर्फ एक जज्बे की और अपने मुल्क से प्यार की जरूरत है। दोनों भाई दिखाए हैं, जिसमें एक भाई के पास जो ऊंट है और दूसरा भाई जो टर्किश आइसक्रीम बनाता है, यानी कि टर्किश आइसक्रीम मेरे ख्याल में इस दौर में इन्वेंट हुई थी, और वो टर्किश आइसक्रीम बेच रहा है और दूसरा भाई ऊंट चलाता है। हाँ। तो और दोनों भाइयों का एक जज्बा है दिखाया गया इसमें कि वो लड़ना चाहते हैं जाके। हाँ। और आखिरी जो ये जाके पूछता है कि हमें वहां जाना है, अनातोलिया जाना। हाँ। है, कहता वहां वॉर के अंदर तुम जाना चाहते हो? कहता हाँ जाना चाहते हो तुम, मैं और तुम मुझसे जा मांग रहे ताकि तुम मेरे ही सिपाहियों को मार दो। हाँ। क्यों फिर? बिल्कुल। और इसमें एक चीज ये भी है, क्योंकि हमने जितनी भी तुर्किश आर्मी की और जितनी भी हमने वीडियोस की हैं, तो हमें आप सबने यही बताया है कि हमारे सब जो जवान है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो बेशक आर्मी में है या नहीं है, उनके लिए मस्ट है। तो एक तरह से ये भी इसमें बताया गया कि वो फौजी होना जरूरी नहीं है। वो कह रहे थे कि हमारे हम भी अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे। और वो जब गए, एक तो मुझे लग रहा था ये दोस्त हैं, या दोनों जो है ना ऑस्ट्रेलिया में थे, और 1918 में जब चानाकले पे हमला हुआ था तब की ये स्टोरी बताई गई थी कि वहां पे उनका जोश था कि हम जाके वहां लड़े, लेकिन एंड पे उन्होंने दिखाया कि नहीं हम एज अ टूरिस्ट जाना चाहते हैं। तो कहने के वो जाना चाहते हैं किसी भी सूरत में, उनको इजाजत नहीं मिल रही उस टाइम, लेकिन वो फिर भी जाना चाहते हैं लड़ने के लिए। बेसिक उनका टारगेट यही था कि लोग जाके वहां पर लड़े, अपने मुल्क के लड़े और इनको एंटर ना होने दें। हाँ। क्योंकि वो जो ब्रिटिश आर्मी है वो मुसलसल इनके इलाकों में इंटर हो रही थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ। और ये ओरिजिनल है, बिल्कुल स्टोरी ओरिजिनल स्टोरी है, हमें बताया गया, तो हम ये फिल्म भी इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। थैंक यू सो मच जिन्होंने हमसे लिंक शेयर किया, इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इनके साथ साथ हमें भी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहा करें। इसी अच्छी वीडियो के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों में महफूज रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।